हेलो एवरीवन, सो हैव यू आर अगेन विद अनदर स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इटालियन गवर्नमेंट विच इज़ एर्गो स्कॉलरशिप। इट इज़ अ रीजनल स्कॉलरशिप जो कि ऑफर की जाती है इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को जिनकी फैमिली इनकम लो है। Get to know everything about Ergo Scholarship, कितना amount दिया जाता है, क्या deadline है scholarship की, क्या requirements है and everything. So let's move on to our first point. What amount is paid through this scholarship? So the amount paid through this scholarship is 7,655 euros, which is around 7 lakh in Indian rupees. So application deadline की अगर हम बात करें तो 2023 में इसकी application 4th of July से start हो गई है and आप 31st August तक ही apply कर सकते हैं. So अभी तक हमने जितनी भी scholarships की बात की है वो एक या दो universities के लिए available है, जैसे अलीसी स्कॉलरशिप जो कि सिर्फ जेनोआ यूनिवर्सिटी के लिए है, इरसो स्कॉलरशिप जो कि सिर्फ पलेर्मो यूनिवर्सिटी के लिए है। बट इफ वी टॉक अबाउट एर्गो स्कॉलरशिप देन यू हैव फोर ऑप्शंस: यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडेना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरा। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका इन्हीं चारों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना जरूरी है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट इज ईसे वैल्यू, यानी कि आपकी फैमिली इनकम 22,335 यूरोस से कम होनी चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एर्गो स्कॉलरशिप? एर्गो स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स यू 100% ट्यूशन फी वेवर, अकोमोडेशन एंड कैंटीन सर्विसेज। सो वंस यू गेट दिस स्कॉलरशिप, द होल अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड इन योर इटालियन बैंक अकाउंट, जिस अमाउंट से आप ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो इस स्कॉलरशिप का 50% अमाउंट प्रोबेबली दिसंबर मंथ में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना होता है कि आपका फाइनल रैंकिंग में नाम है या नहीं। सो इस ईयर अकोमोडेशन के लिए प्रोविजनल रैंकिंग आएगा 7th ऑफ सेप्टेम्बर को, स्कॉलरशिप की प्रोविजनल रैंकिंग आएगी 9th ऑफ अक्टूबर को, एंड दी फाइनल रैंकिंग विल बी रिलीज्ड ऑन 4th ऑफ December 2023. So now let's see what are the documents required to apply for this scholarship. You need to show the family income certificate of the year 2022, property certificate and bank certificate of 31st December 2022 and your passport. So if you have prepared all these documents correctly, you are eligible to get this scholarship. So I hope I have covered all the necessary details. Let us know in the comments if you have any queries and thanks for watching.